प्राचीन काल से ही ऋषियों ने जीवन को निरोग बनाने के लिए, जीवन के प्रत्येक आहार व्यवहार आचरण में एक वैज्ञानिकता और उसके पीछे जो रहस्य है उसको हम सबको समझाने का प्रयत्न किया। जिस खाद्य पदार्थ को हम प्रतिदिन सेवन तो करते हैं, परंतु बहुत बार हमें ये पता भी नहीं चलता है कि ये जो हम खा रहे हैं यह किस तरह से हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। ठीक है कि वह भोजन हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाने में एक मुख्य साधन है, पर उसी भोजन के द्वारा जब शरीर में दोष आ जाए, विकृति आ जाए, उसको दूर करने के लिए यदि कारण बने तो यह बहुत बड़ी बात होती है। आज एक मानसिकता बन गई है जो केमिकलों का सम्मिश्रण है, घटक है, अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं, सॉल्ट हैं, उनको मिला करके जो गोली बनाई जाती है, सुंदर सुंदर पैकिंग में बाजार में हमें मिलता है और वो महंगी महंगी गोलियां मिलती हैं। कभी कभी हमारे मन में ये भाव बन जाता है कि स्वास्थ्य शायद उन गोलियों में ही है। मेरे भाई, स्वास्थ्य गोली में नहीं अपितु आपके आहार में है, प्रकृति में है। इस प्रकृति की जो विकृतियां हैं, विकृति प्रकृति के विरुद्ध चलने से जो विकृतियां पैदा हुई हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके प्रकृति में विद्यमान जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, जो भोजन हैं, जो आहार के अंग हैं, यदि हम उनको सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं। आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। पौधे के रूप में देख करके शायद आपको एक अंदाजा न लग पाए, ये मेरे हाथ में जैसे ये पौधा है, इन ये पूरा खेत, क्योंकि यह ऐसा भोजन है जो घर में बाजार में सहज सुलभ है, पर उसका खेत ढूंढना, खेत में भी अभी जैसे फ्लावरिंग का टाइम, कितना सुंदर फूल का गुच्छा है, खुशबू है, खुशबू बहुत प्यारी है, परंतु यदि इसको थोड़ा मसल लिया तो प्यारी खुशबू बेप्यारी हो जाती है। तो ये जो पौधा है जिसके आज हम बात करने वाले हैं, शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ, यह पौधा है, यह खेत है प्याज का और यह पौधा है प्याज का। एलियम सेपा इसका बॉटनिकल नाम है और संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू। दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनेष्ट कहा गया, यवन के लिए इष्ट। यवन का अर्थ यह होता है कि जो थोड़ा मैले कुचैले गंदे रहने में, बदबूदार रहने में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं यह जो प्याज है, ये प्याज का जो कंद है वह प्याज होता है। इसके अंदर जो फूल आते हैं, फूल के बाद में इसमें बीज तैयार होता है, उस बीज को बो करके फिर नीचे से हमें प्याज प्राप्त हो जाता है, ऊपर से फिर बीज प्राप्त होते हैं, यह प्याज की खेती होती है। इस तरह से प्याज एक फल नहीं है। कई लोगों को तो शायद यह भी पता न हो, प्याज पेड़ में उगते हैं या और कहीं लगते हैं। प्याज वास्तव में कंद है, एक यह जैसे पौधे का कंद है। आप देख रहे हैं प्याज की इतनी बड़ा ये इसका पौधा होता है और इसके बाद में इसके नीचे कंद। जब ये प्याज का ये फूल पक जाता है, बीज तैयार हो जाते हैं, तब तक इसका कंद भी तैयार हो जाता है। तो ये प्याज आप देख रहे होंगे, ये श्वेत प्याज है, सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज थोड़ा कम उपलब्ध होता है, लाल प्याज ज़्यादा उपलब्ध होता है। और विचित्र कहानी यह है कि जो एलियम सेपा करके प्याज का एक ही बॉटनिकल नाम है, जबकि प्याज की प्रजातियाँ दो हैं। तो इसके पीछे मैंने जब बड़े बड़े बॉटनिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि प्याज के अंदर प्रजाति के रूप में हम एक मानते हैं, जबकि प्याज में लाल प्याज और सफ़ेद प्याज के अलग अलग गुण हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, पर प्रजाति के हिसाब से, क्योंकि पत्तियां एक सी होती हैं, फूल एक सा होता है, शायद इसीलिए इसका अभी तक नाम भी एक है। परंतु शास्त्र की दृष्टि से हम श्वेत प्याज, रक्त प्याज करके दो भागों में बांटते हैं और वैसे प्लांडू के रूप में वह दोनों ही प्याज का भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू
और इसको दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनेष्ट कहा गया। संस्कृत में इसको थोड़ा हेय दृष्टि से भी देखा गया, भोजन के रूप में कहने पर इसको उत्तम भोजन नहीं माना गया, इसको हमारे यहाँ तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना गया है। प्याज को जैसे तामसिक भोजन के अंदर दूसरे जो गलत भोजन होते हैं उनकी गणना होती है, उसी में इसको तमस भोजन यदि शास्त्र की दृष्टि से साधना की दृष्टि से हम माने तो तामस भोजन की गणना की गई है। तो भोजन के रूप में ये तामसिक है, परंतु यदि हम इसको तामसिक होने में भी शायद जो मुख्य कारण है इसका जो दुर्गंध है, क्योंकि एक बार प्याज खाने के बाद में लहसुन खाने के बाद में आदमी यदि अच्छी तरह से ब्रश भी करके निकले तो भी उसके मुँह से बदबू आती है, और प्याज खाने के बाद में जब वह पसीने से भी प्याज की बदबू आती है, तो ये दुर्गंध की वजह से शायद इसको नीच भोज्य माना गया है, शूद्र प्रिय माना गया है, तो और कोई कारण नहीं है। यदि हम औषधि की दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो यदि प्याज का सेवन करते हैं तो भोजन के रूप में प्रतिदिन बहुत ज़्यादा प्याज ना लें, परंतु औषधि के रूप में आप बीच बीच में प्याज का सेवन कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं। प्याज का जो एक दोष है वह है दुर्गंध। वो दुर्गंध से बचने का एक उपाय है, सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। प्याज को टुकड़े करके आप पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल करके 2 घंटे के बाद में उस प्याज को निकाल लें। निकाल करके यदि आप उस प्याज का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर जो दुर्गंध है वो काफी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्याज की दुर्गंध को कम कर सकेंगे, तो वह दुर्गंध कम होने से सेवन करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह कंदमूल है। तो इस तरह से इसको नीच या हेय दृष्टि से भी हमें नहीं देखना चाहिए। तो आप इसको औषधि के रूप में, कंदमूल के रूप में जरूर सेवन कर सकते हैं।